आप सभी का स्वागत है इस मेरे YouTube चैनल में VK मौर्य लाइफस्टाइल में। सो गाइस, आज हम फाइनली आ चुके हैं डियर पार्क में, जो कि पड़ता है आपका हॉस पास में। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे साइड के एनवायरनमेंट मतलब कितना ही अच्छा है और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं इन कितने भी सालों में। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ पर होने वाली है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। देख सकते हो आप गाइस, मतलब यहाँ पर कितना रश है। ठीक है, रश तो बहुत ही ज़्यादा है, लिटरली काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, सारे मूवमेंट्स वगैरह हैं, एवरीथिंग। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक कुछ सिनेमैटिक्स देखे और हमने आपको डियर भी दिखाए हैं, ठीक है, और आई होप कि आपको मतलब ये सारी जो सिनेमैटिक्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। तो अभी हम फिलहाल चल रहे हैं झील की तरफ, क्योंकि हमने सुना है इस डियर पार्क में झील भी है। ठीक है, तो और वो झील तो काफ़ी अच्छी होगी, तो अब चलो चलते हैं झील देखने के लिए। सो लेट्स गो। टाइप सा है, मतलब आप यहाँ पर मतलब डांस भी कर सकते हो और काफ़ी सारे मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं ना वो यहाँ पर फंक्शंस मतलब करते हैं, छोटा मोटा ऐसी फन एरिया है। ठीक है, देख सकते हो फुल बैठने के लिए। इंस्ट्रक्शंस है ना यहाँ पर, ज़रूर से आप फॉलो करना, और बाकी काफ़ी सारे लोग से अगर यहाँ पर फोटो क्लिक कर रहे हैं, फोटो क्लिक करने के लिए भी बहुत सही है ये जगह। देख सकते हो आप ये झील, और वहाँ पे उस साइड में कुछ बतख भी हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपको दिख रही होंगे तो बतख हैं। ठीक है, हम उस साइड भी चलेंगे, अभी तो मैं आपको ये पूरा झील दिखा रहा हूँ। देखो आप कितना सही लग रही है ये झील। सो गाइस, आप लोगों को ज़रूर से मतलब अच्छा लग रहा होगा ये इन्वायरमेंट, आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है, और इस साइड में तो मतलब काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी बना रखे हैं। ठीक है, जस्ट झील के अपोजिट साइड में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, और भाई साहब व्यू तो बहुत अच्छा है। और बंदर तो देखो आप, कैमरामैन बंदर दिखाने ज़रा। और गाइस पता है यहाँ पर ना फुल भाई साहब बंदर फ़ोन लेके भाग जाते हैं, फ़ोन संभाल के रखना बंदरों से। ठीक है, बिल्कुल देखो बंदर दिखाना। सो गाइस देख सकते हो कितना सही व्यू है। ठीक है, और ये पीछे ना कैफ़े है, ठीक है, जो कि जस्ट झील के अपोजिट साइड पर है कैफ़े, और ये मेरे बैक साइड में झील है। ठीक है गाइस, तो अभी तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत मेरे को तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। सो चलो। कितना ही सही है और कितनी शांति है यहाँ पर, और ये चिड़िया की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी शायद, कौवा भी बोलेगा अब तो। जब रो मान जा मत कर, प्यार मिलता है चीज़ों करके। अभी तक जो भी मतलब आपने वीडियोस वगैरह देखी अच्छी लग रही होगी, और मैं इस आप सबसे ना मतलब एक चीज़ पे सॉरी बोलना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मतलब काफ़ी आपने देखा होगा, नोटिस तो ज़रूर कर रहे होंगे आप लोग कि मैं अब रेगुलर वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहा हूँ। उसका भी एक रीज़न है, मैं सोच रहा हूँ ये फालतू का स्टफ़ अपलोड करने से अच्छा है ना मैं आपके लिए कुछ यूज़फुल वीडियोस अपलोड करूँ। ठीक है, दैट्स वाई मैं सैटरडे सबको जाता हूँ। ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ फुल, मतलब सब कुछ आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ सैटरडेज़ को जा कर के, क्योंकि आप सबको पता है मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ, राइट। तो इंटर्नशिप करते हुए मेरे को इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि मैं रोज़ डेली एक वीडियो बना करके अपलोड कर सकूँ, तो इसीलिए अब मेरा जो सैटरडेज़ को ना
हाफ डे हो जाता है, तो मैं हाफ डे से फ्री होता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए निकल चलता हूँ घूमने थोड़ा फिरने, कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट ला सकूँ और कोई सही सी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि वीडियोस जो है वो सैटरडेज को आ रही है, यही रीज़न है। और आई होप कि आप इस वीडियो को इन्जॉय कर रहे होंगे। सो चलिए लेट्स गो। तो मतलब यहाँ पे लोग योगा भी कर रहे हैं आकर के, और यहाँ कुछ कपल अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं फुल चटाई बिछा के, और ये अंकल आंटी तो भाई पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, कोई नहीं। और ये भाई साहब अपने फैमिली के साथ आए हैं पिकनिक बनाने के लिए, देख सकते होंगे मतलब ये सब कुछ है। मतलब मैंने कुछ लोगों की वीडियोज़ भी देखी कि ये सिर्फ कपल प्लेस है या कुछ भी है, मतलब लोग कुछ भी बता दे रहे हैं, कोई ओयो रूम बता रहे, कोई क्या बता, क्या पागल हो क्या यार, मतलब जो रियलिटी है वो दिखाओ ना। सो गाइस आपने इस वीडियो में रियलिटी देखी है, ठीक है, देख सकते हो। आप सबको आई नो ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो आपको पता है ना क्या चीज़ करनी है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो ये नाम देख रहे हैं ना आप वीके मौर्य लाइफस्टाइल, और इसके साइड में जो रेड बटन आ रहा है, ठीक है, इसको रेड नहीं होने देना, इसको ग्रे कर देना है दबा दबा कर, ठीक है गाइस। सो ये कुछ वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा डियर पार्क के बारे में जो भी मैंने बताया, ठीक है, सब कुछ रियल था, कुछ फेक नहीं था। मैंने कुछ व्लॉगर्स को देखा है, वो पता आगे क्या करते हैं, आते हैं कुछ कपल्स की फ़ोटो ली, दिखाया डियर है, बस ख़त्म। ये सब क्या है, अगर आपको दिखाना ही है तो कुछ नॉलेजेबल चीज़ें दिखाओ, ठीक है, लोगों को बताओ कि यहाँ पर ऐसा होता है, ये चीज़ें हैं, ताकि लोग आ करके इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, ठीक है। और मतलब काफ़ी सही था मेरा, तो भाई साहब मेरी तरफ से इसको एकदम 10 out of 10 देता हूँ मैं, ठीक है, इस डियर पार्क को। मतलब ये सबके लिए है, एक फैमिली के लिए भी है, एक पिकनिक स्पॉट भी है, एक डेटिंग स्पॉट भी है, और एक प्री वेडिंग शूट स्पॉट भी है, ठीक है। मतलब मैंने काफ़ी सारे लोग देखे जो अपना प्री वेडिंग शूट कर रहे थे। सो गाइस आप देख सकते हो मतलब कितना ही अच्छा व्यू है यहाँ का भी, ठीक है, जहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो ना तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियो देख करके हेल्प मिल सके चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ही है ये, ज़्यादा दूर नहीं है आपके घर से, हौस खास में ही है, हौस खास आप आएंगे डियर पार्क यही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।